हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इफ 7 टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस 7 टू द पावर वाई इज इक्वल टू 13 रूट 7 एंड 7 टू द पावर एक्स प्लस 7 टू द पावर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रूट 7 देन 7 टू द पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। हम देखिए इस इक्वेशन को हम देखते हैं, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख लेते हैं, 7 टू द पावर एक्स इंटू में 7 प्लस 7 टू द पावर वाई इज इक्वल टू 13 रूट में 7। हम देखिए इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर x प्लस 7 टू द पावर y इनटू में 7 इज इक्वल टू 3 रूट 7। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों इक्वेशन में हम 7 टू द पावर x को a के इक्वल मान लेते हैं और 7 टू द पावर y को b के इक्वल। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7a प्लस b इज इक्वल टू 13 रूट 7। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस 7b इज इक्वल टू 3 रूट 7। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन नंबर सेकंड को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 49a प्लस 7b इज इक्वल टू 91 रूट में 7। और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास है a प्लस 7b इज इक्वल टू 3 रूट में 7। हम देखिए इसे सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 48a इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 88 रूट में 7। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 88 रूट में 7 अपॉन में 48। हम देखिए 8 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 11 रूट में 7 अपॉन में 6। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं, हमारे पास हो जाएगा 11 रूट में 7 अपॉन में 6 प्लस 7b इज इक्वल टू 3 रूट में 7। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7b इज इक्वल टू 3 इंटू में रूट में 7 माइनस 11 रूट में 7 अपॉन में 6। हम देखिए इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18 रूट में 7 माइनस 11 रूट में 7 अपॉन में 6। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7b इज इक्वल टू 7 रूट में 7 अपॉन में 6, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी रूट में 7 अपॉन में 6। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई थी 11 रूट में 7 अपॉन में 6 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है रूट में 7 अपॉन में 6। a को हमने 7 टू द पावर x के इक्वल माना था, यहाँ पे पुट कर देंगे तो जाएगा 7 टू द पावर x इज इक्वल टू 11 रूट में 7 अपॉन में 6 और b को हमने 7 टू द पावर y के इक्वल माना था तो हो जाएगा 7 टू द पावर y इज इक्वल टू रूट 7 अपॉन में 6। हम देखिए 7 टू द पावर x को 7 टू द पावर y से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 11 रूट में 7 अपॉन में 6 इंटू में 6 अपॉन में रूट में 7। हम देखिए रूट में 7 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 7 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। यहाँ देखिए इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये हमारे पास आ गई 11, ये हमारा आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।